वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस एपीसोड विच असी जाणांगे गुरु गोबिंद सिंह जी दे बहुमुल्ला विरसे बारे। जद गुरु गोबिंद सिंह जी नवंबर सन 1675 नूं गद्दी उत्ते बैठे तां उन्हां दी उम्र केवल 9 साल दी सी। कई मुश्किलां दा सामना उन्हां नूं करना पिया। उन्हां दे पक्ष सहाई जे बहुत सन तां इस तों इनकार नहीं कीता जा सकदा कि विरोध विच वी कई शक्तियां कम कर रहियां सन। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत ने कौम विच एक जज्बे का हड़ वगा दिता सी। उस हड़ नूं सांभ के किसे काम लियाउण लई सुचज्जी अगवाई की लोड़ सी। सब तो वड्डी शक्ति जो गुरु गोबिंद सिंह जी नूं सहायक हो रही सी वह बहुमुला विरसा सी जो उन्हां नूं विरासत विच मिलिया सी। उन्हां ने जो महल तैयार किया सी उस दीआं नीहां अते दीवारां की उसारी पहले गुरु साहिबान कर गए सन। गुरु गोबिंद सिंह जी कोई वक्री परपाटी नाल संबंधित नहीं सन, सगों उही जोत पई काम करती सी, सिर्फ काया बदली सी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस गल का जिक्र आत्म कथा विच कीता है कि 10 गुरुआं नूं वख वख तां सारे देखते रहे हन, पर कोई विरला है जिस सारियां नूं इक करके जाणिया है। भिन्न भिन्न सबहूं कर जाणा, एक जोत किन्हूं पहचाणा। गोकल चंद नारंग इस गल का वर्णन बहुत सुंदर शब्दों विच करदा लिखदा है कि गुरु गोबिंद सिंह अते उन्हां दा काम उस उन्नति का नतीजा सी जो मुढ़ तो हुंदी आई सी। जिस फसल ने गुरु गोबिंद सिंह जी वेले फल दिता उसकी बिजाई गुरु नानक देव जी ने की सी, 8 गुरुआ ने उसनू सींझिया सी। जिस तेग ने खालसे की शान फैलाई सी ये ठीक है कि उसनू तैयार गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया सी, पर फलाद गुरु नानक देव जी महाराज कमा के दे के गए सन। भाई नंद लाल जी ने इस संबंध में लिखा कि उ ही गुरु गोबिंद सिंह है अते उ ही गुरु नानक सन। गुरु नानक जी तो लैके गुरु तेग बहादुर जी तक सारे गुरु एक कौम बनाउण वाली लगे हुए सन। गुरु नानक जी ने अपने सेवकों विच जुर्रत भरी ते समाजिक धार्मिक ते राजनीतिक जुल्ले उतारन लई तैयार कीता। पेन ने लिखा है कि इन्हां उपदेशों करके ही गुरु नानक जी का उपदेश ज़्यादा असरदायक रहा। नारंग फिर लिखता है कि गुरु नानक जी के उपदेश ने निर्बल हिंदू जनता नूं ऐसा जगाया कि एक कौम की उसारी लई उद्यम आरंभ होए। गुरु अंगद जी ने कौम उसारी लई गुरमुखी अखरां दा प्रचार कीता अते हुकम मन्नण दा चा कौम विच पाया। गुरु अमरदास जी ने उदासी संतां तों बचाउण लई ग्रस्त धर्म दी विशेषता दर्शाई, एकता लई लंगर दी रसम चलाई अते प्रचार दे कम्मां नूं मंजियां थाप के विज्ञानक लीहां उत्ते कीता, सेवा नूं उत्तम दर्जा दित्ता। गुरु रामदास जी ने हरिमंदर थाप के नव बन रही कौम नूं केंद्र बख्शिया, सिखां विच तजारत करन दा उत्साह भरिया। पहले 4 गुरुआं दे उपदेशा कारण सिख कौम गवांडी कौमां नालों वक्री दिसन लग पई सी। धार्मिक दृष्टिकोण, समाजिक रस्मां ते राजनीतिक तौर उत्ते सिख वख दिसन लगे। एल्फिंस्टन लिखदा है सिखां दा धर्म ये तां सिखांदा सी कि अमन नूं कदी हथों ना छड्या जाए ते हर एक नाल शांति वरती जाए, पर इहो जिहे पवित्र ख्याल देर तक नहीं सन चल सकते क्योंकि मुगलां दी हकूमत तहसत पुणे विच अन्नी हो रही सी। वधदी ते फुलदी कौम नूं मुगल बादशाह जहांगीर सहार ना सकिया। गुरु अर्जन देव जी दे वेले सिख कौम ने दुलांगा भर दे तरक्की कीती। श्री अमृतसर नूं उसार के सिख कौम दे प्रबंध नूं चंगी तरह सांभिया। गुरु ग्रंथ साहिब नूं संपाद करके कौम नूं अहल किताब बना दित्ती अते शहादत दे के सिख धर्म दे मंदर दीआं नीहां पक्कियां कर दित्तियां। गुरु हरगोबिंद जी ने नीहां उत्ते दीवारां बनाउण दा काम आरंभिया। कौम विच शस्त्र प्यार भरिया, अकाल तख्त लोहगढ़ बना के कौम विच विश्वास ते आस भरी, 4 जंगा जित के हुक्मराना दा भय उतारिया। गुरु हर राय जी ने ताकत हुंदिया शांतमई रहण दा दृश पेश कीता। औरंगजेब दे चढ़दे हड़ विच सिक्खी नूं रुड़न तों बचाया। उन्हां दी प्रेरणा नाल मालवा भी सिक्खी दा घर बनिया। इसे मालवे बारे गुरु गोबिंद सिंह जी ने पिछों फरमाया सी कि इह सारा इलाका उन्हां दे पिछे है। गुरु हरकृष्ण जी ने मुजाहमत दा प्रगटा कीता अते गुरु तेग बहादुर जी ने इहदा शहादत दे के कलयुग विच इक महान साका कर विखाया। हिंदुस्तान विच हर थां संगतां भी कायम सन, इक तार नाल सब बद्धे होए सन, हुक्म ते टुरन दी महिमा जाणदे सन। कई साध वर्गे सिख गुरु दे बचना तो अपने बेटे कुरबान कर चुके सन। इतने बहुमुल्ले विरसे नूं विरासत विच पा गुरु गोबिंद सिंह जी तख्त उत्ते बैठे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।